Decorating a corner with lots of green is calmness, but styling that indoor greens with creativity is an art. So hello guys, welcome back to my channel. दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर को इंडोर ग्रीन से डेकोरेट कर सकते हो और साथ ही साथ जो आपके घर के कॉर्नर्स हैं, फोकस्ड एरिया है, कैसे आप उन एरियाज को अपलिफ्ट कर सकते हो वो भी नेचुरल। मैं बेसिकली आज आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू इंडोर ग्रीन्स। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन सबसे पहले मेरे चैनल को विजिट कीजिए, चेक कीजिए सारे वीडियोस को। अगर उनमें से ऐसी कोई भी वीडियोस आप लोगों को लगे कि वो इनक्रेडिबल है, बियॉन्ड थिंकिंग है, आउट ऑफ इमेजिनेशन है और आपके आइडियाज से मैच कर रहे हैं, देन ओनली सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ गाइज, विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। किसी भी कॉर्नर को मॉडिफाई करने से पहले, डेकोरेट करने से पहले दो बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा। आपकी बजट क्या है, नंबर वन। दूसरी बात, आपके घर में क्या कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जिन्हें आप रिसाइकिल कर सको, रीपर्पस कर सको अपने इंडोर ग्रीन्स को डेकोरेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये लैंटर्न्स पड़े हुए हैं, ये बेसिकली DIY लैंटर्न है जिसे मैंने दिवाली के लिए स्पेशली बनाया था। तो अगर आप लोगों को देखना है इसका ट्यूटोरियल, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और साथ ही साथ उन सारे DIY क्रिएटर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने घर पे ये DIY ट्राई करने के लिए एंड शेयरिंग इट विथ मी इन Instagram। तो इसी लैंटर्न को मैं रीपर्पस करके एज अ वास के तरीके यूज़ करने वाली हूँ। दोनों तरफ के हैंडल्स जो हैं वो ईजिली रिमूवेबल हैं, बाद में जब मुझे ज़रूरत लगेगा तो मैं वापस से इसमें फिक्स कर सकती हूँ। और इन्हें हैंग करने के लिए मैं वुलन थ्रेड के हेल्प से दोनों एजेस पे नॉट्स लगा दूंगी। मैंने पहले भी बताया था कि ये लैंटर्न बिल्कुल भी बल्कि नहीं है, इसलिए अगर आपका रेंटल वॉल है तो आप इजीली इन्हें केबल हुक के हेल्प से हैंग कर सकते हैं। ये आपके वॉल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा एंड व्हेनेवर यू वांट यू कैन डिटैच इट प्रॉपरली। अगर आप सॉइल वाले पॉट यूज़ करते हो तो इसके बेस पे छोटा सा प्लेट रख के इसके रिम पे पॉट प्लेस कर दें, लेकिन मैं यहाँ बहुत ही प्यारा सा मनी प्लांट प्लेस कर रही हूँ जो कि वाटर बेस्ड है। तो अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही कम मेहनत में इंस्टेंटली मैंने ये ग्रीन कॉर्नर क्रिएट किया है। नेक्स्ट गाइस, अगर आपके घर में कुछ ऐसे वेस्ट पड़े हैं और आपको लगता है कि आप उन्हें रिसाइकिल करके प्यारा सा प्लांटर क्रिएट कर सकते हैं, देन आई थिंक यू मस्ट नॉट हेजिटेट टू एक्सपेरिमेंट दैट थिंग। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये प्लांटर मैंने बनाया था बाई यूजिंग वेस्ट चॉकलेट बॉक्स। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाइज नहीं करते हैं ये प्लांटर्स, और आप इन्हें ईजिली एक जगह से दूसरे जगह अपने कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इन्हें कैसे बनाया है, अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल देखना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसी तरीके से एक और प्लास्टिक कंटेनर को रिसाइकिल करके मैंने दो अमेजिंग हैंगिंग प्लांटर बनाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं अपने वर्टिकल स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ इंडोर ग्रीन्स, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे और काफ़ी हैंडी और मैस फ्री हो। अब ये देखिए, मेरे पास ये बैम्बू सूप पड़े हुए थे, सिंपली मैंने इस पर एक्रेलिक कलर किया है और इसे वॉल पे माउंट करने के लिए सिंपली एक नेल के हेल्प से मैं दोनों सूप को वॉल पे फिक्स कर दूंगी। लेकिन मुझे ट्रेडिशनल स्टाइल लैंटर्न कम प्लांट होल्डर बनाना था, इसलिए मैं इस तरीके के क्ले हैंगिंग इस पर हैंग कर दूंगी।
तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चूंकि हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, डेकोर में चेंजेस लाने चाहिए, विच अल्टीमेटली पुश अप वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द परफेक्ट डेकोर। अब जो नेक्स्ट प्लांटर बनाया है उसमें मैंने पुराने फूट मैट को रीपर्पस करके इसे बैकग्राउंड वॉल हैंगिंग के तरीके यूज़ किया है, और प्लांटर के लिए मैं एक वेस्ट प्लाईवुड का टुकड़ा लूँगी और इसके ऊपर का जो रफ सरफेस है, जो डैमेज्ड पार्ट है, सबसे पहले मैं उसे स्क्रब कर लूँगी और इसके सरफेस को प्लेन और स्मूद करने के लिए 2 चम्मच वॉल पुट्टी पेस्ट में ज़रा सा एक्रेलिक टर्कोइस ब्लू और लाइम येलो मिक्स करके एक फाइनल पेस्ट रेडी कर लूंगी। इस पेस्ट को बटर नाइफ के हेल्प से प्लांट पे अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि जितने भी डैमेज्ड पोर्शन है वो फिलअप हो सके, और फिर इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए सूखने छोड़ दें। और फाइनली गाइस, सूखने के बाद ये देखिए इसका रिजल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग इस प्लांटर का कलर वैरी कर सकते हैं, और जूट रोप के हेल्प से मैं इन्हें वॉल पे हैंग कर दूंगी। लेकिन चूंकि बहुत ही पतले नेल का मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं ज़्यादा वेट इसके ऊपर प्लेस नहीं करूंगी। तो इसी तरीके से अगर आपके पास भी पुराने वॉल हैंगिंग्स हैं तो आप इन्हें मिक्स एंड मैच करके मैक्रमे के तरीके यूज़ कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, ये लास्ट प्लांटर बनाने के लिए मैं 2 छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल्स यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जो छोटा सा पाउच है, वो एक्चुअली ज्वेलरी पर्स था, बट नाउ आई एम गोइंग टू रिसाइकिल इट एज अ प्लांटर। और ये जो आप छोटा सा पीस देख रहे हो, ये एक्चुअली फ्रूट जूस निकालने के काम आता था, बट सिंस द जूसर इज नो मोर नाउ, तो ये एक पार्ट को मैं एज अ प्लांटर यूज़ करने वाली हूँ। सिंपली इन दोनों को मैं स्प्रे पेंट से कवर कर दूंगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत डिज़ाइंस यहाँ बना सकते हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग। तो ऐसे छोटे छोटे जो आपके घर में वेस्ट होते हैं, उन्हें आप रिसाइकिल करके किसी भी कॉर्नर को, किसी भी नुक को एक प्यारा सा लुक दे सकते हैं। तो गाइज, अगर हम सोचते हैं कि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, तो आई थिंक वी मस्ट रीथिंक अगेन, राइट? क्योंकि हमारे छोटी छोटी चीज़ को रिसाइकिल करके हम अपने हर एक कॉर्नर को एक अपलिफ्टमेंट दे सकते हैं। ज़रा सा टच, हल्का सा मेहनत और थोड़ा सा कलर भर के मुझे लगता है कि हम अपने ग्रीन कॉर्नर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब से अगर आपके पास ऐसे पाउचेस होंगे, छोटे छोटे अगर आपके पास टॉयज़ होंगे, तो एक बार आप इन्हें रीवैम्प करके, कलर करके, थोड़ा सा इसे एक अलग सा अपीयरेंस दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें वॉल पे अपने डेकोर के साथ मिक्स एंड मैच करके लगा सको। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ खुल के लाइक कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देन जस्ट डू इट गाइज। बहुत ही इनक्रेडिबल वे में, बहुत ही ईजी, बहुत ही बजट फ्रेंडली वे में मैं सारे डेकोर्स आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू हैवंट। तो फिर मिलूंगी एक नए क्रिएटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।